नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक फेस्ट और मैं हूँ कौस्तुभ साखरले। तो आज हम बात करेंगे, जियोनी ने न्यू लॉन्च किया है M7 Power। तो फर्स्ट इसके हाइलाइट्स देखते हैं। तो इसमें 6 इंच का LED डिस्प्ले दिया गया है, उसके साथ 64 GB रैम दी गई है, स्टोरेज इसका 64 GB है। प्रोसेसर इसमें 1.4 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें रैम 4 GB है। इसका रियल कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। इसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो एंड्रॉयड नोगट है 7.1, और इसका बैटरी कैपेसिटी है 5000 mAh। तो फुल स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम इसके। फर्स्ट इसका डिस्प्ले है जो 6 इंच का दिया गया है, उसके इस पर हार्डवेयर जो दिया गया है वो 1.4 GHz ऑक्टा कोर का है। इसका प्रोसेसर है जो स्नैपड्रैगन 435 में है। जो इसका रैम दिया गया है वो 4 GB और इंटरनल स्टोरेज है 64 GB। ये आप बढ़ा सकते हो 128 GB और 156। इसमें माइक्रो SD कार्ड अवेलेबल है। कैमरे के बारे में बात करेंगे तो रियल कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का है, उसके साथ LED दिया गया है, और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इसमें LED फ्लैश नहीं दी गई है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एंड्रॉयड 7.11। और कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, इसमें वाईफाई दिया गया है, GPS दिया गया है, ब्लूटूथ है, NFC नहीं है, इंफ्रा भी नहीं है, USB दी गई है, FM दिया गया है। उसके साथ इसमें दो सिम लग अवेलेबल है। सिम वन में आप नैनो सिम डाल सकते हो, दोनों में नैनो सिम डाल सकते हो, दोनों में 4G LTE मोड अवेलेबल है। सेंसर के बारे में बात करेंगे तो इसमें कंपास सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, एबिडेंट लाइन सेंसर है, गायनोस्कोप है, टेम्परेचर सेंसर इसमें अवेलेबल है। सिर्फ इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक फेस्ट और मैं हूँ कौस्तुभ साखरले। तो आज हम बात करेंगे, जियोनी ने न्यू लॉन्च किया है M7 Power। तो फर्स्ट इसके हाइलाइट्स देखते हैं। तो इसमें 6 इंच का LED डिस्प्ले दिया गया है, उसके साथ 64 GB रैम दी गई है, स्टोरेज इसका 64 GB है। प्रोसेसर इसमें 1.4 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें रैम 4 GB है। इसका रियल कैमरा